महाराष्ट्र की ताजा राजनीतिक घटनाक्रम से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे चारों तरफ से घिर गए हैं। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे लगातार पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि शिवसेना के 42 विधायक उनके साथ हैं। इसके अलावा कई निर्दलीय विधायक भी उनके खेमे में हैं। लिहाजा अब शिवसेना में दो फाड़ के आसार बनते दिख रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि पार्टी में चुनाव चिन्ह और झंडे को लेकर भी घमासान शुरू हो सकता है। कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे अब शिवसेना के धनुष और बाण चिन्ह पर दावा करने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक शिंदे कुल 42 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहा है और पार्टी के चुनाव चिन्ह इस्तेमाल का दावा कर रहा है। कहा जा रहा है जल्दी ही ये मामला चुनाव आयोग पहुंच सकता है। क्या कहता है कानून? चुनाव आयोग राजनीतिक पार्टियों को मान्यता देता है और चुनाव चिन्ह भी आवंटित करता है। चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के मुताबिक यह पार्टियों को पहचानने और चुनाव चिन्ह आवंटित करने से जुड़ा हुआ है। कानून के मुताबिक अगर पंजीकृत और मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी के दो गुटों में सिंबल को लेकर अलग अलग दावे किए जाएं, तो फिर चुनाव आयोग इस पर आखिरी फैसला करता है। इस केस में एकनाथ शिंदे गुट का दावा मजबूत है। इसकी वजह है उनके पास 42 विधायकों का समर्थन। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना सिर्फ 55 विधायक जीत कर आए थे, जिनमें से दो तिहाई यानी कि 33 विधायकों का समर्थन अगर एकनाथ शिंदे के पास हो तो वह पार्टी और उसके चुनाव चिन्ह पर दावा कर सकते हैं, जबकि शिंदे अपने साथ 42 शिवसेना विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं। यही वजह है कि एकनाथ शिंदे और उनके साथ के विधायक खुद को असली शिवसैनिक बोल रहे हैं। और रही बात चुनाव आयोग भी मान लेता है तो कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे अपनी ही पार्टी शिवसेना से अजनबी बन जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज।